G20 बैठक की जोर शोर से तैयारी चल रही है और इन सब के बीच क्या भारत कोई युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्योंकि युद्ध स्तर की तस्वीरें भारत पाक सीमा के नजदीक से आई हैं, जिसे देखकर दुश्मन का रूप कांप जाएगा, पाकिस्तान की बोलती बंद हो जाएगी, चीन पानी पानी हो जाएगा। राजस्थान का रेगिस्तान थरथरा रहा है, भारतीय सेना के शौर्य की तस्वीरें जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज की हैं। रेगिस्तान में दूर दूर तक चारों तरफ रेत का गुब्बार, पोखरण का पूरा इलाका टैंकों की गड़गड़ाहट, बमों के धमाके, गोलियों की आवाज से दहल गया। इस युद्धाभ्यास में सेना के आर्मर से लेकर आर्टिलरी तक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री से लेकर आर्मी एयर डिफेंस तक के जवान अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। हिंदुस्तान की सेना के जवानों के सामने अथाह रेगिस्तान था, हाथों में स्वदेशी हथियार की ताकत और सामने बैठा विदेशी मेहमान, जिन्हें भारत की स्वदेशी ताकत की एक झलक देखने की ललक। ब्राजील के सेनाध्यक्ष टॉमस मिगवेल माइक रिवेरा पाइवा ने जब भारतीय सेना में स्वदेशी हथियारों की शक्ति, आत्मनिर्भर भारत का दम देखने की इच्छा जताई, तो थार रेगिस्तान में सेना ने कुछ झलकियां पेश कर दी। थार की गर्द उड़ाते MBT अर्जुन टैंक को देखकर दुनिया हैरान थी और दुश्मन परेशान। स्वदेशी तकनीक से बने अर्जुन की स्पीड की बात हो या दुर्गम टेरेन में मैन्युवरिंग का कौशल, ब्राजील के सैन्याध्यक्ष इसे देखकर हैरान थे। अर्जुन टैंक की ताकत और फायर पावर का जब प्रदर्शन हुआ तो पूरा रेगिस्तान दहल उठा। हिंदुस्तानी सेना के जवानों ने बताया कि आज का अर्जुन कैसे दुनिया में हिंदुस्तान की सेना की शान के तौर पर पहचान बन चुका है। MBT अर्जुन टैंक भारतीय सेना की वो स्वदेशी शान है जो रण क्षेत्र में उतर जाए तो मोबिलिटी में उसका कोई मुकाबला ही नहीं। अर्जुन टैंक अगर आग उगलने लगे तो जमीन से आसमान में 3 से 4 किलोमीटर तक दुश्मन फटकने का साहस नहीं कर सकता। वो अर्जुन टैंक आज ऐसी स्वदेशी तकनीक से लैस है, दुश्मन के बड़े से बड़े हमले के खिलाफ खुद को महफूज रखने में माहिर है। अर्जुन के अलावा रेगिस्तान में कहर का दूसरा नाम था BMP-2 सारथ। अर्जुन के मुकाबले हल्के लेकिन बेहद विध्वंसक तोप ने जब रेत से भरे इलाके में अपनी गति और शक्ति का मुजाहिरा पेश किया तो देखने वाले दांतों तले उंगली दबा बैठे। BMP-2 सारथ को विजय रथ भी कहते हैं, जो दिन हो या रात, रेगिस्तान हो या दलदल, दुश्मन जमीन पर हो या आसमान में, इसके फायर पावर के आगे दुश्मन की एक नहीं चलती। भारतीय सेना के टैंकों की ताकत और मारक क्षमता का प्रदर्शन देखने पहुंचे ब्राजीलियन आर्मी चीफ रेगिस्तान में भारत की स्वदेशी ताकत को देखकर बेहद खुश थे। ब्राजील के सैन्य अध्यक्ष इन दिनों भारतीय सेना के साथ सैन्य गतिविधियों का आदान प्रदान करने और दुनिया में शांति बनाए रखने में सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के दौरे पर आए। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना ने युद्ध की स्थितियों में इस्तेमाल किए जाने वाले स्वदेशी निर्मित हथियारों, अन्य गन्स, टैंकों का रणनीतिक प्रदर्शन किया, जिसमें अर्जुन टैंक, K9 वज्रगन, धनुष गन, ATGS गन, ACCS शक्ति समेत दूसरे इक्विपमेंट्स का भरपूर प्रदर्शन किया और दुश्मन को चेतावनी दे दी कि ये तो महज एक ट्रेलर है, भिड़ोगे तो पूरी फिल्म दिखाएंगे, लेकिन फिल्म का दी एंड भारतीय सेना तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।